हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा लोशन है। ये मैं कुछ टाइम से इसको लगा रही हूँ और मेरे फेस पर आप ग्लो भी देखते हो और मतलब मुझे कमेंट आते रहते हैं। मुझे अभी वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट नहीं आते हैं, लेकिन मैसेंजर पर या फिर मुझे फेसबुक से मैसेज वगैरह आते रहते हैं कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, मेरा फेस एकदम चिकना सा रहता है, मतलब एकदम फेयर है और मतलब स्किन एकदम से चिकनी चिकनी है। कुछ भी फेस पर नहीं लगाती हूँ मैं इस तरह की कोई भी चीज़, लेकिन सिर्फ मैं डे क्रीम लगाती हूँ और एक नाइट क्रीम लगाती हूँ रोज़। मैं मतलब डेली यूज़ में यही सब करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वाला लोशन मैं शेयर कर लूँ। और मुझे ये लोशन बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ आपको टू ही चीज़ें इसमें चाहिए, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। ये प्रोसेस बहुत ही छोटा सा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये रोज़ कर सकते हो, रोज़ करिए और ये बहुत ही अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करेगी आपके फेस पर। आपकी स्किन पे अगर फाइन लाइन्स हैं वो भी इससे दूर हो जाएंगी। अगर आपकी स्किन थोड़े से स्पॉट्स वगैरह हैं, डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, आपकी स्किन में सैगिंग सा है आपकी स्किन, या फिर आपकी स्किन में मतलब लूज हो रही है आपकी स्किन यहाँ पर, या फिर ड्राई रहती है, तो आपकी स्किन इससे हाइड्रेट भी हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। मतलब ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं बता रही हूँ आप लोगों को। और ये बहुत ही अच्छा पैक है, ये पैक कह लीजिए आप, लोशन कह लीजिए आप, मतलब आपको जो मर्जी आप इसको कह लीजिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है। ये आपको नाइट में लगाना है, बस नाइट में लगाना है, सिर्फ आपको 15 मिनट देने हैं अपने, और बस फेस वॉश करके आपको ये अप्लाई कर लेना है और बस, और आप इसको लगा लेंगे और लगाने के बाद 15 मिनट्स के लिए आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। तो ये आपके लिए, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं अप्लाई करना है फेस पर इसके बाद में, और ये स्किन पर आपकी जो भी ड्राइनेस होगी वो भी दूर हो जाएगी, और मतलब जो भी प्रॉब्लम आपकी स्किन में है ना, तो वो सारी इससे दूर हो जाएंगी फ्रेंड्स। और ये बहुत ही आसान है। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन भी आएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, और जैसे ही हिट करेंगे तो आप न्यू वीडियो मेरा आप देख पाएंगे। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मुझे चाहिए बस थोड़ा सा, आप इसको रोज़ बनाएंगे तो बस मैंने इतना ही कर्ड लिया है। ये कर्ड देखिए बिल्कुल थिक वाला कर्ड है, वो मैंने लिया हुआ है, और आप इसी तरह से कर्ड ले लीजिए। और आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मैं उसके लिए बता दूँगी आपको। और इसमें आपको थोड़ा सा ये आलमंड ऑयल मिलाना है, ये विटामिन ई होता है इसमें, बहुत ज़्यादा विटामिन ई होता है, तो इसको मिलाना है आपको, थोड़ा ही डालूँगी मैं। ज़्यादा नहीं डला है, वो थोड़ा ही दिख रहा है, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाली हूँ मैं। अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। 2 मिनट्स इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। बस ये दो ही इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं अपने फेस के लिए और अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा है ये प्रोसेस। आप इसको लगाने से पहले मैं बताऊंगी आपको क्या क्या लेना है, तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने इस पर अप्लाई कर लिया है, और देखिए बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है ये लगाने के बाद, बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाएगा ये। और इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, आपकी जो स्किन है एकदम ऐसे ही शाइनिंग आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा आपकी स्किन पर। और ये मैं बहुत दिनों से मैं लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ इस लोशन को, और ये लोशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप, मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको इसमें कर्ड के साथ आपको इसमें एलोवेरा जेल मिलाना है। जो एलोवेरा जेल आता है वो आप मिला दीजिए, या फिर आप कोई भी जेल जो आपके पास है आप वो मिला सकते हो, चाहे
वो आप पतंजलि वाला मिला लीजिए, या फिर आप आपके पास ऑरेंज जेल है वो मिला लीजिए, आपके पास जो भी जेल हो किसी भी कंपनी का हो आप उसको मिला लीजिए और इसमें यूज़ कर सकते हो इस तरह से। ये 15 मिनट्स के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद आप देखेंगे जब इसको क्लीन करूँगी मैं तो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है ये इस तरह से। और सुबह जब आप देखेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है स्किन, सॉफ्टनेस भी आ जाती है आपकी स्किन पर, सॉफ्ट भी हो जाएगी आपकी स्किन, एकदम हाइड्रेट रहेगी। मतलब आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा लाइनिंग्स वगैरह आती हैं तो वो भी नहीं होंगी। तो फ्रेंड आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने ये लोशन या मतलब पैक आप जो भी कह लीजिए इसको, लेकिन जो भी है ये बहुत ही अच्छा है और ये दो इनग्रीडियंट से बना हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और आपको फेस पर लगाना कैसे, अप्लाई कैसे करना है मैं आपको ये बता देती हूँ। पहले आप फेस को क्लीन कर लीजिए, फेस वॉश कोई भी फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं उसको पहले आप क्लीन कर लीजिए फेस को। उसके बाद आप क्या करिए कि थोड़ा सा वार्म वाटर में एक टॉवल लीजिए और उसको निचोड़ करके अपने स्क्वीज करके अपने फेस पर रख लीजिए, थोड़े दो मिनट के लिए रख लीजिए, सिर्फ दो मिनट के लिए ही रखनी है आपको ये। आप रोज़ नहीं करना है आपको ये प्रोसेस आपको दो तीन दिन बाद या फिर जैसा आपको सही लगे, मतलब ज़्यादा आपको ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं है तो आप वैसे कर सकते हो। आपको सिर्फ ये सिर्फ बेनिफिट इसके लिए होता है, ये प्रोसेस सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप ये जो पैक लगाएंगे, जो लोशन लगाएंगे आप, तो ये डीपली आपके जो ओपन पोर्स होंगे उसमें डीपली जाकर अच्छे से उसको क्लीन कर सके, आपकी स्किन पर हाइड्रेशन दे सके, आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड कर सके, इसलिए ये प्रोसेस किया जाता है फ्रेंड्स। तो और अगर ये आप लोगों को हॉर्न वगैरह सुनाई दे रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, और लाइटिंग प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मौसम भी ठीक नहीं है, मतलब बारिश का मौसम लग रहा है मुझे तो, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है इसलिए भी ऐसा हो रहा है। तो आप लोगों को ये प्रोसेस ऐसे ही करना है और उसके बाद आप ये जो मैंने लोशन बनाया है इस टाइप का ये लोशन होगा, ये देखिए, और मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। और मैं अभी फेस पर आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं हमेशा हर चीज़ फेस पर ही दिखाती हूँ आपको, तो मैं आपको ये फेस पर नहीं अप्लाई करके दिखाऊंगी, मैं हैंड पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। और आपको लगाना कितने देर तक है इसको, आप 15 मिनट्स तक आप इसको लगा कर छोड़ दीजिए या फिर आप मसाज करते रहिए 15 मिनट्स। उसके बाद आप 15 मिनट्स के बाद आप जब आप मसाज कर लेंगे 2 से 3 मिनट मसाज करके ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। जब छोड़ देंगे उसके बाद आप 15 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लीजिए, जो भी वाटर है आपको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए फेस को और पैट ड्राई कर लीजिए। पैट ड्राई करने के बाद आपको कोई भी नीड नहीं होगी कि आप कोई लोशन लगाएं या फिर आपको कोई क्रीम लगानी है, नाइट क्रीम लगानी है, कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये इतना अच्छा सॉल्यूशन है, मतलब लोशन मैंने बना रखा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। और हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपको इसमें सिर्फ इतना सा, बिल्कुल हल्का सा 1 पिंच ही डालना है आपको ऑयल, या फिर आप इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो। कर्ड के साथ आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है तो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो जैसे मैंने यूज़ किया है, मतलब करने वाली हूँ जो मैंने दिखाया है उस तरह से। तो आपको ऐसे हैंड पर ले लेना है, उंगलियों पर, ये देखिए ऐसे ले लूँगी और मैं अभी हैंड पर ही दिखा दे रही हूँ आपको। इस तरह से 2 मिनट्स के लिए मसाज करनी है आपको, और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, कर्ड की भी आ रही है और जो मैंने ऑयल डाला है उसकी भी आ रही है, ये देखिए आपके स्पॉट्स भी गायब हो जाएंगे, आपको आपकी स्किन पे अगर स्पॉट्स हैं वो भी गायब हो जाएंगे, आपकी स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी, आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट रहेगी आपकी स्किन अगर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको कैसे यूज़ किया है, और अभी मेरे हाथों पर ये लगा हुआ है, मैंने अभी वॉश नहीं किया है, मैं अभी वॉश करूँगी बाद में, लेकिन ये 15 मिनट्स जब हो जाएंगे तब मैं वॉश कर लूँगी। और मैं
हमेशा अपने हैंड्स पर भी ये अप्लाई करती हूँ और मैं अपने फेस पर भी अप्लाई करती हूँ, अपने नेक पर भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं मेरे नेक को भी मिले और मेरे हैंड्स को भी मिले। तो आप इसको रोज़ बनाइए, और आप अगर इसको रोज़ बनाकर लगाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं नहीं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इसको बनाकर रख लीजिए, क्योंकि इसमें कर्ड है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप इसको बनाकर रख लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट होता है ये जो भी चीज़ें, ये जो दही होता है मतलब कर्ड है, तो आपको इसको रोज़ ही अप्लाई करना चाहिए। मतलब इसमें है क्या, सिर्फ इसको इतना सा आपको लेना है, पर स्पून से भी कम इतना सा लेना है आपको कर्ड, और उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ जो ऑयल मिलाना है, या फिर आप एलोवेरा जेल मिला लीजिए, तो आपको दोनों ही इंग्रेडिएंट्स मिला के आपको बना लेना है ये लोशन, और आप इसको अप्लाई कीजिए और अपने स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बनाइए, और अपना ध्यान रखिए, और बहुत ही ज़्यादा पानी पीजिए, हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, और अपना हमेशा और अपनी फैमिली का भी हमेशा ख्याल रखिए, तो भी बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही है, आज इतना ही मैं बनाने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और मुझे और किस तरह के आपको वीडियो देखने हैं मुझसे, तो मेरे साथ आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगी, और मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ें बताती हूँ, मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, यूज़फुल है मेरे लिए, मैं वही चीज़ों को ही आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये बनाना है। बस मैं ये बता रही हूँ कि आपको जो भी चीज़ें बनानी है वो आप रोज़ बनाइए, जो भी मैं DIYs बनाती हूँ मैं रोज़ बनाती हूँ, और मैं वो रोज़ ही अप्लाई करती हूँ। तो इस तरह मतलब जो भी जो मैं फेस पैक बताती हूँ ना, तो वो आप रोज़ अगर अप्लाई करें तो रोज़ बनाइए, रोज़ बनाएंगे ना तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ख़राब हुआ क्या प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है कि थोड़ा सा बनाने में टाइम, कितना टाइम लगेगा मुझे, 2 मिनट लगेगा, सिर्फ 2 मिनट, और मैंने बना दिया इस पैक को, और बहुत ही अच्छा है ये। तो आप इसको यूज़ कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है आपको तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने देखा, मुझे समझा कुछ, मेरे अच्छी अच्छी बातें सोचती हूँ मैं, फिर मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो इसलिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और जो भी व्यूअर्स मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत कीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, जैसे ही हिट करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उसको भी देख पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।